वीडियो आया है एजुलनेस जापदा गोस्वामी महाराज का माला के ऊपर में, बोल रहे हैं कि कोलकाता में था प्रभुपाद आए तो मैं उस समय में 32 राउंड रोज करता था, 32 माला रोज करते थे। तो प्रभुपाद आए तो बड़े खुश होके गए थे, प्रभुपाद के बोलेंगे प्रभुपाद खुश होंगे कि 32 माला रोज करता है ये, कहाँ मुश्किल था इन लोगों को 16 करना, ये 32 भी कर रहे। बहुत खुश हो गए, एकदम जोश में गए। प्रभुपाद तो आज पीठ थपथपाए, बोले शाबाश, कुछ एक गुलाब जामुन भी दे देंगे, इतने खुश हो जाएंगे। जैसे गए प्रभुपाद, प्रभुपाद को बोले प्रभुपाद मैं 32 माला रोज करता हूँ। प्रभुपाद बोले बंद करो 32 माला। बोले अरे मैं तो उससे प्रभुपाद खुश होंगे। बोले 32 माला करने की जरूरत नहीं है, 16 माला करो, बाहर जाओ प्रचार करके आओ। सन्यासी के काम है प्रचार करना, बैठ के भजन करना नहीं है। हम लोग क्या है, गोष्ठानंदी हैं, हम लोग भजनानंदी नहीं हैं। हमारे संप्रदाय क्या सिखाता है, गोष्ठानंदी, गोष्ठानंदी कम भजनानंदी है। हम लोग सिर्फ भजनानंदी नहीं है। हर एक इंडिविजुअल को, हर एक भक्त को जो इस मूवमेंट से जुड़ गए हैं, उन सब का अधिकार है, हम सब का अधिकार है, जिम्मेदारी है, अधिकार नहीं, ये जिम्मेदारी है। ईच वन प्रीच वन और ईच वन सीच वन। हर एक व्यक्ति को, हर एक किसी को प्रचार करना चाहिए। आप दूसरे संप्रदाय को देखिए, जो भी हमारे समाज में शांति व्यवस्था लाने वाले संप्रदाय सब है नाम लेने में डर लगता है, इतने शांति व्यवस्था बनाने वाले सब लोग सब है, उनका कितना अच्छा चल रहा है। और स्पेशली कुछ दो चार अने यूथ भी दिख रहे हैं यहाँ पे, यूथ ही सारा कमाल कर रहा है, यूथ कमाल कर रहा है, सब कनेक्टेड है, सब बाहर जा जाके प्रचार करके। अभी आपने सुना कल एक न्यूज में आ रहा था, मैं तो कल देखा, पता नहीं पहले से आया होगा, राजस्थान साइड की, ना कहाँ की, ग्वालियर साइड की एक लड़की को नेट पे कल्टिवेट कर दिया, उसके कॉलेज की लड़की उसको नमाज पढ़ना सिखा दी। वो इनोसेंट, इनोसेंट क्या बोले, मूर्ख है वो, इनोसेंट बोलना गलत है। माता पिता अपने बच्चों को मूर्ख बना के रखे हैं, मनी मेकिंग मशीन बनाने के चक्कर में, कल्चर दे ही नहीं रहे, संस्कृति दे ही नहीं रहे, ना खुद फॉलो कर रहे, ना बच्चों को करा रहे, और कोई भी उसको घुमा रहा है। और बोल रही कि मेरी क्लासमेट है, वो मुझे बाबा जी के पास, बाबा जी गए मुल्ला के पास लेके गई और वो मुझे नमाज पढ़ना सिखा दिया। नमाज पढ़ करते करते सिखाते सिखाते कहाँ, वहाँ से जोधपुर की जाए, जोधपुर की, वहाँ से पाकिस्तान के किसी लड़के से उसको कनेक्ट कर दी। अब फोन पे इतना आंखों आंखों में चार हो गया कि यहाँ का जिंदगी बेकार हो के वहीं का साकार करने लगी। वो भाग रही थी एयरपोर्ट पे, बुर्का पहन के पहुंच गई, पुलिस वाले को डाउट हो गया, फिर कैसे तैसे करके भगवान बचा लिए, पकड़ में आ गई। ऐसे कार्य हो रहे हैं, सब प्रचार कर रहे हैं और हम लोग सोए हुए हैं। वही बात है, कह रहे उसके घर में आग लग रही है, मेरे घर में थोड़ी ना आग लगी है, जब मेरे घर में आग लगी तो मैं बाल्टी उठाऊंगा पानी लेके वो आग आपके घर तक पहुंच चुकी है। आप गौर से देखिए, पेरेंट्स आज के डेट में कॉल करके या मैसेज करके हमें बताते हैं कि प्रभु जी मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते हैं। आप जिम्मेवार हो उसके, बच्चे नहीं जिम्मेवार हैं, वो अपना स्वभाव ठीक प्रकट कर रहा है। आज आप जिस चीज से परेशान है उसके जिम्मेवार आप खुद हैं, और प्रभु जी या माता जी कोई कुछ नहीं कर पाएंगे, वो वही करेंगे जितना आपको बताए उतना ही उसको ही बताएंगे। लेकिन एक दिन में बताने से वो बदल जाएगा, ये कोई जादू की छड़ी नहीं होता प्रभु जी सबके हाथ में कि उसको घुमा देंगे किसी की चेतना बदल जाएगी। वो माँ भागवत लोग कर सकते, प्रभुपाद या गुरुजन जो हैं अभी उपस्थित वो लोग कर सकते हैं, हम बदजीव लोग क्या करेंगे। फोन पे फोन में ऐसे रोते हुए प्रभु जी मेरे बच्चे मेरी बातें नहीं सुन रहे, तुम क्या करें, इतने दिन आप क्या किए, इतने दिन आपने जो किया वो आपको अभी मिल रहा है, तब रो मत, अब झेलो। तो ईच वन प्रीच वन, हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है प्रचार करने की। यदि हम सब अपनी चेतना को इसमें स्थगित कर दें, स्थगित नहीं क्या बोलते उसको, फिक्स कर दें, फिक्स मतलब स्थापित कर दें, हाँ स्थगित मतलब कैंसिल होता है ना, वही नहीं, अपनी चेतना को यदि उसमें फिक्स कर दें मतलब स्थापित कर दें, तो हम सब सन्यासी का रोल प्ले करेंगे। भले हम स्टूडेंट लाइफ में है या गृहस्थ लाइफ में है या सन्यास या ब्रह्मचारी, जिस किसी भी लाइफ में है, पर्पस हमारे जीवन का यही होना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार करें, उसका प्रचार प्रसार बढ़े, हमारी जो सनातन संस्कृति है उसकी रक्षा हो,
उसकी रक्षा करने के लिए अपने आप को निछावर कर दीजिए। निश्चित रूप से कृष्ण आपकी रक्षा करेंगे। धर्म रक्षति रक्षतः, आप धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम।